Hi guys, it's Shivangi. Welcome to my channel. So today, I think ये भी video काफी ज़्यादा requested थी. So आज मैं करने जा रही हूँ doodling. And doodling ना ऐसी चीज़ है जो हम अपनी life में कभी ना चाहते हुए भी कर लेते हैं. So I would say that कभी आपका कोई lecture चल रहा होगा, कभी आप किसी से phone पे बात कर रहे होंगे, and जब आप scribbling करते हो ना, वो random scribbling जो कि बाद में आपको अच्छी लगने लगती है, that is doodling. So yes, I thought क्यों ना आज हम इसी crazy topic से related video बनाएं, क्योंकि doodling personally मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. I swear अगर आप मेरी 11th, 12th की notebooks या books देखोगे, उसमें सिर्फ doodling है, क्योंकि मैंने science ली थी. आज से ज़्यादा चीज़ें दिमाग से ऊपर चली आती थी, तो मैं doodling ही करती रहती थी. Plus I remember मैं free time पे भी काफ़ी ज़्यादा doodle करती थी. So I think this is a very interesting topic. Let's see आज हम क्या करने जा रहे हैं. Additionally अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी चीज़ों से ही मोटिवेशन मिलती है मुझे हर हफ्ते वीडियो बनाने की, अदरवाइज हाँ. एनीवे गाइज, मैंने ले ली अपनी व्हाइट शीट एंड अब मैं स्टार्ट कर दूंगी अपनी डूडलिंग यूजिंग माई एक्सपेंसिव पेन. सो बेसिकली माइक्रॉन्स पहले के टाइम पे जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगते थे. एनीवे गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने रिसेंटली 900K मार्क टच किया है. एंड ट्रस्ट मी, मतलब मैं कैसे आप लोगों को बताऊं कि मैंने लाइफ में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम ये सब कर पाएंगे साथ में. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. आपके बिना तो मतलब कुछ पॉसिबल था ही नहीं. एंड हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलूंगी कि आज मैं इस वीडियो में 3 डिफरेंट टाइप के डूडल आर्ट करने वाली हूँ, बट मैं इस वाले में फोकस करूंगी 900K मार्क पे एंड अपनी पूरी जर्नी को एक्सप्लेन करने में. सो आर यू एक्साइटेड? एनीवे गाइज, सो मैं आपको सच सच बताती हूँ, दिस जर्नी स्टार्टेड जब मैं अपनी लाइफ के थोड़े से लो पॉइंट में थी. मतलब उस टाइम पे मैं जॉब कर रही थी ऑफ कोर्स, एंड मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली थी अब्रॉड ट्रैवल करने की, बट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ कोविड, आई कुड नॉट फ्लाई. सारी चीजें कैंसिल हो गई उस मोमेंट पे, एंड आई वॉज लाइक शिट, अब मेरा क्या होगा. एंड देन मेरी मम्मा ने मुझे सजेस्ट किया कि वाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल, बट मुझे हमेशा ये लगता था कि यार मुझे कोई क्यों देखे. I mean, why? And then you won't believe, मैंने प्लान किया कि मैं अपनी लाइफ में किसी को भी ये नहीं बताऊंगी कि मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है. सिर्फ मेरे मम्मा डैडी को पता था, एंड आई थिंक मेरी एक फ्रेंड को पता था, वो भी एक दो वीडियोस डालने के बाद. उस टाइम पे मेरे चैनल पे व्यूज आते थे 30-40, मैक्स टू मैक्स 100, एंड जब 3 डिजिट क्रॉस करता था तब मैं हो जाती थी पागल, एंड हम लोग लिटरल सेंस में सेलिब्रेट करते थे. इनिशियली जब मैंने चैनल शुरू किया था, मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं खुद कैमरे के सामने कभी आऊंगी या मैं कभी वॉइस ओवर भी दूंगी खुद का. मैंने बस पहले पेंटिंग वीडियो से स्टार्ट किया था, एंड देन धीरे धीरे मैंने वॉइस ओवर शुरू करे. कि मैं फाइनली, मुझे याद है मैंने एक वीडियो में सोचा था, कॉफी पेंटिंग की वीडियो थी, कि यार इस बार मैं कैमरे के सामने आ ही जाती हूँ. एंड यू गाइज हैव नो आइडिया मैं उस टाइम पे कितनी ज्यादा नर्वस थी. मैं बिल्कुल भी कैमरा फ्रेंडली नहीं थी, इसीलिए वो वीडियो भी काफी ज्यादा ऑकवर्ड है. एनीवे, स्टार्टिंग की जर्नी तो मतलब नेक्स्ट लेवल की क्रेजी थी. आई स्टिल रिमेम्बर जब फर्स्ट टाइम 300 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हुए थे, 500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हुए थे, 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हुए थे. ओ गॉड, आई रिमेम्बर वी यूज्ड टू सेलिब्रेट लाइक क्रेजी पीपल. व्हेन आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिस इज माय आइडियल सब्सक्राइबर बेस, दिस इज व्हाट आई वांट. मेरा कुछ ऐसा दिमाग में था ही नहीं. मुझे बस ये था कि मुझे कुछ क्वालिटी चीजें डालनी है, जिससे कि मैं 50 साल बाद भी अगर अपनी वीडियोस को देखूं तो मुझे अच्छा फील होए कि यार हाँ, उस टाइम के हिसाब से मैंने अपना 100% दिया था. जब मैंने शुरू किया था कोई सब्सक्राइब नहीं करता था. गलती से कुछ महीनों बाद जब स्टार्टिंग में ना 3 लोग जैसे एक दिन में सब्सक्राइब करते थे, तो उस टाइम पर इतनी खुश होती थी, यू हैव नो आइडिया. मतलब वो इतनी बड़ी चीज लगती थी ना कि मैं आपको क्या बताऊं. सो हाँ यार, ये थी मेरी 900K की जर्नी, जो कि बहुत ज्यादा स्मूथ तो नहीं थी. ऑफकोर्स इसमें अपने ही लेवल के अप्स एंड डाउन्स थे, बट एक चीज कॉन्स्टेंट थी, वो था आप लोगों का सपोर्ट एंड प्यार, एंड दैट इज वाई मैं कंसिस्टेंट भी रही. अदरवाइज पता नहीं यार कहाँ से आता मुझ में ये डेडिकेशन. सो थैंक यू सो मच, मेरे इस छोटे से नन्हे से आर्टिस्ट को आपने जाने नहीं दिया. एनीवे गाइज, मेरा 900K का स्पेशल डूडल ऑलरेडी फिनिश हो चुका है. सो इसमें मैंने जो कुछ भी बनाया, जितने भी एलिमेंट्स बनाए, वो सारी मेरी जर्नी से रिलेटेड है. बिकॉज मैंने पहले आईपैड से स्टार्ट किया था, दैट इज वाई देयर इज एन आईपैड. मैंने बुक्स के ऊपर रख रख के अपने आईपैड को रखा था एज अ ट्राईपॉड, एंड दैट इज वाई मैंने यहाँ पे बुक्स बनाई हुई है, कुछ प्लांटर्स बनाए हुए हैं, इनफैक्ट अपने कुछ फेवरेट पीसेस भी बनाए हुए हैं.
सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप किन किन चीजों को ट्रैक कर पा रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के। एनीवे गाइस, मूविंग ऑन टू आवर सेकंड डूडल आर्ट। इसको मैं थोड़ी डिफरेंट टेक्निक के साथ बनाने जा रही हूँ, सो आर यू एक्साइटेड? पहले ये बता दो। सो यहाँ पे मैं यूज करूंगी अपने बाबा आदम के जमाने के वाटर कलर्स, जो कि बहुत 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 पुराने, आपको इनकी हालत देख के पता चल ही गया होगा। एनीवे मैं दो कलर्स को यूज करके सबसे पहले एक बैकग्राउंड वॉश दूंगी, जिससे कि मैं उसके ऊपर डूडलिंग करूँ। हाउ कूल राइट? And once that is done, अपने माइक्रोन को यूज करके डिटेलिंग एड करना स्टार्ट कर दूंगी। डिटेलिंग मतलब डूडलिंग। अगर आपके पास माइक्रोन नहीं है, आप किसी भी तरीके का जेल पेन यूज कर सकते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन। एंड यहाँ मैं बना रही हूँ फूल और पत्ते। सो मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, मैं बस एज यूजुअल डूडल की तरह रैंडमली कुछ कुछ बनाती जा रही हूँ, रैंडम पैटर्न्स को फॉलो कर रही हूँ एंड थोड़ी ज्यादा डिटेल्स में ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि यार मैं चाहे लाइफ में कुछ भी कर लूँ बट उसमें डिटेल्स तो मैं डालूंगी ही। तो यस, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, दिमाग में कुछ नहीं है। जैसा कि आपने देखा, मैंने फर्स्ट वाले में भी ऐसा ही कुछ किया था, मेरे दिमाग में जो आ रहा था अपनी 900K की जर्नी से रिलेटेड, मैं बस वही बनाती जा रही थी। तो सिमिलरली मेरे दिमाग में जो भी फ्लोरल पैटर्न आ रहा है, मैं बस वही बनाती जा रही हूँ, बनाती जा रही हूँ, इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना रही हूँ, जिससे कि ये एंड में ना थोड़ा ढंग का लगे। एनीवे गाइस, मैं व्हाइट पेन की हेल्प से इसमें थोड़ी और डिटेल्स ऐड करूंगी एंड देन वी आर डन। दिस इज व्हाट द फाइनल पीस लुक्स लाइक। दिस इज लुकिंग रियली प्रिटी, मतलब सिंपल एंड प्रिटी। नाउ मूविंग ऑन टू अ फाइनल थर्ड पीस। इसमें मैं यूज कर रही हूँ ब्राउन शीट। Yes, that is why it's gonna be even more exciting. मैं सबसे पहले background में white color छाप दूंगी and then उसके ऊपर मैं start कर दूंगी अपनी doodling करना। This idea was a bit exciting for me, क्योंकि हम इससे literally कोई भी book का cover बना सकते हैं, card का design बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। So yes, यहाँ पे the point is कि मैं random doodles करूंगी without any thought। जो जो चीजें मुझे cute लगती है, पसंद है, वो मैं सब छापने वाली हूँ। And yeah, By the way, do you guys know, ये प्रोसेस इतना ज्यादा थेरेप्यूटिक है, क्योंकि मैं कुछ सोच ही नहीं रही हूँ, मैं बस बनाती जा रही हूँ एंड मुझे इतना ज्यादा फ्री फील हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। सो यस, यहाँ पे मैंने यूट्यूब का प्ले बटन भी बना दिया है, कॉफी बना दी है, आइसक्रीम बना दी है, अपने स्पेक्स बना दिए है, पता नहीं क्या क्या चीजें बना दी है, बहुत रैंडम चीजें बन रही है। तो जरूरी नहीं है कि हर डूडल का कोई मीनिंग हो, काफी डूडल्स रैंडम भी होते हैं। सो यस, मैं उसी रैंडम प्रोसेस को फॉलो करके रैंडम चीजें बना रही हूँ एंड देन आई एम गोना कम्प्लीट दिस। It's gonna be very simple. मैं कोई और colors का use नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। This is what the final piece looks like. This is looking so damn good. Comment section में जरूर बताना आपको तीनों art pieces में से सबसे अच्छा कौन सा लगा। अच्छी लगी तो like भी कर देना, अपने friends के साथ share भी कर देना। मिलते हैं अगले हफ्ते। Till then, take care, stay safe. Bye bye. And you know it, right? I love you guys.